मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो देखिए हम लोग पिछले डिस्कशन क्लास में क्या देखे थे, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब क्या देखेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि दो कॉन्वेक्स लेंस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल डी या थोड़ा डिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग डिस्कशन क्लास में पहले क्या देख चुके हैं बेसिक्स में, कि जो माइक्रोस्कोप होता है वो उसमें ऑब्जेक्टिव लेंथ जो होती है उसका अपर्चर छोटा होता है और ऑब्जेक्ट उधर रखते हैं हम लोग, और किधर देखते हैं, बड़े अपर्चर आईपीस वाले लेंस की तरफ से देखते हैं, ओके। और टेलीस्कोप में ठीक उल्टा होता है, ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे और इधर से देखेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जब हमें छोटी चीज देखनी होती है और पास की चीज, तो ऑब्जेक्ट को छोटे वाले लेंस के पास रखते हैं, कभी भूलिएगा नहीं। माइक्रोस्कोप में क्या, छोटा चीज देखते हैं, ठीक है, तो छोटे लेंस के पास ऑब्जेक्ट को रखेंगे और बड़े साइड पे देखेंगे, ठीक है। और टेलीस्कोप में बड़ी चीज देखते हैं, ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, बड़े वाले लेंस की तरफ होगा, क्योंकि बड़ा चीज देखना है तो बड़ा लेंस भी चाहिए उधर, तभी तो उसका पूरा इमेज वो आएगा इसके अंदर उसका रे, ओके। तो कभी ये भूलिएगा नहीं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट हमने प्लेस कर दिया, ऑब्जेक्ट की हाइट मान लीजिए एच नॉट है। सबसे बेसिक हम लोग पिछले दोनों क्लास में देख चुके हैं क्या है, कि हम लोग माइक्रोस्कोप में पास नियर पॉइंट के लिए जो हमको पास की चीजों को एनलार्ज करके डिस्टिंग्विश करके देखना होता है, कि दो पॉइंट है बहुत पास पास है, तो उसको अगर हम डी डिस्टेंस पे 25 सेंटीमीटर, आंखों के नियर पॉइंट क्या है हम लोग का डी 25 सेंटीमीटर, तो वहां पे रखते हैं तो हमारी आंखों पे कितना एंगल सब्स्टिट्यूट करता है, तो हम अच्छे से नहीं देख पाते, इसलिए माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक। सिंपल माइक्रोस्कोप में की पावर जो है कम होती है, इसलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाते हैं उसकी पावर इंक्रीज करने के लिए। तो एक बेसिक तो पहले ही फिक्स है कि जब हम नॉर्मल आई के लिए क्या होता है, नॉर्मल आई के लिए, नॉर्मल आई पे अल्फा एंगल सब्स्टिट्यूट करता है जब हम वो ऑब्जेक्ट की हाइट एच है और डी डिस्टेंस पर रखते हैं, तो हमारी आंखों पे नॉर्मल आई मतलब बिना किसी लेंस हमारी आंखों पे वो कितना एंगल बनाता है। तो यहाँ से टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इक्वल अल्फा फॉर स्मॉल एंगल हम लोग को पता है एच नॉट बाई डी होगा, क्या होगा एच नॉट बाई डी। ये बेसिक एजम्पशन हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ओके। कि जब 25 सेंटीमीटर पे होगा तो हमारी आंखों पे वो दोनों ऑब्जेक्ट जो पास पास है कितनी एंगल बनाता है। अब यहाँ पे हम लोग माइक्रोस्कोप में उसको रखते हैं, तो यहाँ पे डी तो यू नॉट डिस्टेंस हम लोग को पता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है एच आई। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, तो रे डायग्राम हम समझ लेते हैं, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट एक रे पैरेलल जाता है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाता है, तो ये दोनों पैरेलल जो रे जाएगा वो आफ्टर पासिंग थ्रू ए लेंस वो फोकस से पास करता है, ओके। फोकस से पास करने वाले ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाता है वो कहीं भी बेंड नहीं करता, वो सीधे पास कर जाता है, ओके। तो ये दोनों यहाँ मीट करते हैं, इस पॉइंट पे मीट करेंगे, पी पॉइंट है मान लीजिए, तो इससे फिर आगे बढ़ेगा तो इस लेंथ पे जब जाएगा तो यहाँ लेंथ से ऐसे इस तरफ बेंड कर जाएगा ऊपर की तरफ, ओके। अब हमें पता है कि आगे जाके मीट नहीं करेगा क्योंकि रे ऐसे जा रहा है, तो इसको हमें पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, इधर एक्सटेंड करना पड़ेगा पीछे। तो अब इस लेंथ के लिए, आई पीस वाले लेंथ के लिए जिसकी फोकल लेंथ एफ ही है, उसके उसके अंदर देखिए जो ये आई पीस वाला लेंस है उसका फोकल लेंथ एफ ही है, ये उसके अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है एच आई इमेज, जो ऑब्जेक्ट का इमेज एच आई यहाँ बन रहा है। अब ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, इस अब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, इसका इमेज इस लेंस की वजह से यहां बनेगा, ये फाइनल बात आई था हमने। तो ये डॉटेड लाइन बन रहा है मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा, क्या बनेगा वर्चुअल। और हमेशा माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज क्या होता है, वर्चुअल वर्चुअल ही बनता है जनरली, ओके। तो एक बार हम क्या डी पे लेंगे, दूसरी बार क्या लेंगे, जो वी पर डी ले रहे हैं, दूसरी बार वी पर इन्फिनिटी लेते हैं, नियर पॉइंट एक हर पॉइंट, ये कॉमन रहेगा हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 10 अल्फा तो आ गया, अब बीटा क्या होगा, बीटा तो 10 बीटा हम यहाँ तक अगर देखें, 10 बीटा इक्वल बीटा इक्वल 10 बीटा क्या होगा, एच आई
अपॉन यू ई हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, टेन बीटा एच आई डैश अपॉन डी हो जाएगा। ओके, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ओके एच आई डैश अपॉन डी, सेम ट्रायंगल है ये, बात आ रही था इनमें। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी है, ध्यान से आप देखिए। ये अब यहां से अगर हम चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, एच आई डैश अपॉन एच आई इक्वल डी अपॉन यू ई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो अब देखिए हमें मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब निकालना है तो सेम फार्मूला होता है, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, जो हमने पिछले डिस्कस क्लास में डिस्कस किए थे। तो 10 बीटा क्या है, एंगल फॉर्म बाय इमेज ऑन आई, एंगल फॉर्म बाय इमेज ऑन आई, और ये क्या है 10 अल्फा क्या है, एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। तो फॉर्मूला सेम रहेगा। अब देखिए यहां पर 10 बीटा की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, एच आई डैश अपॉन डी, 10 अल्फा क्या है एच नॉट अपॉन, ओके यहां पे एच आई अपॉन यू ई लिख लीजिए, एच आई अपॉन, ओके। अब देखिए एच आई अपॉन एच नॉट इंटू डी अपॉन यू, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, डी अपॉन यू ई, और एच आई मैग्नीफाइंग मैग्नीफाइंग मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ये हम क्लास में पढ़े हैं कि एम क्या होता है, हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज, ये भी होता है अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो बेसिक है। सारे लेंथ में आप लोग पहले पढ़े होंगे कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है वी अपॉन यू होता है ना, ये आप पिछले क्लास में आप कई क्लास में पढ़े होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो किसके लिए आ रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंथ के लिए, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंथ आ गया। ओके, इनटू ये क्या है डी अपॉन यू ई, डी अपॉन यू ई पिछले क्लास में हम निकाले सिंपल माइक्रोस्कोप, डी अपॉन यू ई है, यू ई किसके लिए, इसके लिए, डी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्टिव लेंथ के लिए, आईपीस लेंथ के लिए सॉरी, तो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस आ गया। तो मैग्निफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या आ गया, मैग्निफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ इंटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस, ऐसे तीन लेंथ होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इंटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ थर्ड लेंस भी आ जाएगा। आ रहा बात समझ में, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। अब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या हो जाएगा बाबा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ये, ओके एच नॉट अपॉन एच आई अपॉन एच नॉट है, हमको पता है ये क्या हो जाएगा, ये वी नॉट अपॉन यू नॉट हो जाएगा, यहां से देखिए वी अपॉन यू, तो ये वी नॉट अपॉन यू नॉट। और ऐसे भी आप देखेंगे ये एंगल मान लीजिए गामा है, तो ये भी एंगल गामा होगा, तो दिस एच आई अपॉन एच नॉट क्या होगा, दिस अपॉन दिस, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, ये एंगल कॉमन 90, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, तो एच आई अपॉन एच नॉट क्या होगा, वी नॉट अपॉन यू नॉट। ओके, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ओके, अब देखिए हमको पता है कि एम ई आई पी का क्या है, ये डी अपॉन यू ही मैग्निफिकेशन, और ये डी अपॉन यू ही पिछले क्लास में निकाले थे, क्या होता है 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, यहाँ पे क्या होगा ई है तो एफ ई होगा, तो फाइनल हम लोग का फॉर्मूला क्या बन गया, पिछले डिस्कस क्लास में आप ये देखिएगा ये दोनों, तो फाइनल हमारा बन गया, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ, यहाँ पे आप माइनस सिंह लगा लीजिए अपने से, ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस साइन हम लोग क्या बताता है कि इमेज इज इन्वर्टेड,
इमेज क्या है? ओके, नेगेटिव साइन, इमेज इज वर्टेड, और यहाँ वर्चुअल भी है इमेज। ओके, नेगेटिव साइन। ओके, तो आप लोग के समझ आ गया हो, आप समझ में आ गया होगा, एक बार रिवीजन हम करा देते हैं। देखिए ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है जो आईपीस लेंस के सामने हम रखे हैं। इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस लेंस की वजह से यहाँ पे एच आई बन रहा है, और उसका हमने दूरी क्या लिया है इस लेंस से वी नॉट, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या लिया है यू नॉट। ओके, तो ये हाइट ऑफ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो एच आई अपॉन एच नॉट क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन वी यू नॉट, ये हम लोग लिख लिए। अब इस लेंस के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और इसकी वजह से इसका इमेज यहाँ बनेगा, रे डायग्राम से हम लोग बना लिए। ओके, हम लोग को पता है कि इस ऑब्जेक्ट के फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए इमेज उसी साइड में बनेगा और वर्चुअल बनेगा। ओके, तो हम लोग क्या लेते हैं, दो टू पॉइंट पे लेते हैं, एक तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन डी पे इमेज बनता है तब लेते हैं, दूसरा इन्फिनिटी पे। तो इसमें डिस्कशन क्लास में हमने क्या लिया, इमेज इज फॉर्मेट डी, तो उसके लिए फिर हमने ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिए, फाइनल आपका फॉर्मूला है। ओके, थैंक यू।